ये कहानी है एक ऐसे आइलैंड की जहाँ पर लाइफ ऑफ वाटर है, यानी जिंदगी देने वाला पानी जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा करता है एक खतरनाक मॉन्स्टर। और आज तक उस जगह पर जो भी गया है वो कभी वापस लौट के नहीं आया है। इस मूवी का नाम है द एश लैड इन द सर्च ऑफ गोल्डन पैलेस। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, वरना आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो बताते हैं कि बहुत दूर जहाँ आसमान जमीन से मिलता है वहाँ एक बेहद ही सुंदर पैलेस स्थित है जिसका नाम है प्लेस ऑफ सौरिया मौरिया, जो पूरा गोल्ड से बना है, जिसे सूरज की रोशनी में बहुत दूर से देखा जा सकता है। और उस प्लेस के नीचे एक मैजिकल ग्लेशियर है जिस पर गोल्डन पैलेस की रिफ्लेक्शन पड़ने पर उस ग्लेशियर की एक एक बूंद पिघलते हुए गोल्डन प्लेस के नीचे एक वॉल्ट में इकट्ठा होती रहती है, जिससे किसी की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। और इसी वजह से उस पानी को लोग वाटर ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। उस पैलेस की तलाश में कई लोग गए ताकि वो वाटर ऑफ लाइफ को हासिल कर सकें, लेकिन आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौट पाया था, क्योंकि पैलेस की गद्दी पर एक लालची राजा बैठता था जो अपने एक राक्षस गुलाम के साथ मिलकर किसी को भी उस पानी को हाथ नहीं लगाने देता था। अब सीन चेंज होता है और हम एस्पन और उसके भाइयों को पेड़ काटने का काम करते हुए देखते हैं, जहाँ एक छोटा बच्चा गलती से एक पेड़ को काटते वक्त पेड़ को गलत डायरेक्शन में गिरा देता है और वो पेड़ उनके बॉस के बहुत करीब जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो आदमी जख्मी होते होते बचता है। ये देखकर उनका बॉस उनसे पूछता है कि पेड़ किसने गिराया, तो एस्पन उस बच्चे का इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है ताकि उस बच्चे को डांटना पड़े, पर एस्पन का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। तब एस्पन के भाई अपने बॉस से कहते हैं कि इतनी छोटी सी गलती के लिए इसे नौकरी से मत निकालो। ये सुनने पर उनका बॉस उन तीनों को ही नौकरी से निकाल देता है। आगे वो तीनों ये बात अपने पिता को बताते हैं, जिससे उनके पिता थोड़े नाराज हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से राजकुमारी का एक मैसेंजर निकलता है जो एस्पन और उसके भाइयों को राजकुमारी के 19th बर्थडे की पार्टी में चलने के लिए कहता है। इसके बाद एस्पन और उसके भाई तैयार होकर पार्टी में जाते हैं जहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे और चारों तरफ शहनाइयां बज रही थी। फिर एस्पन राजकुमारी को बर्थडे विश करने चला जाता है और उसका एक भाई पाल खाने की टेबल के पास जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है और उसको अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, पर पाल उससे पीछा छुड़ाते हुए अपने भाई पर के पास चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके भाई को सब उसके कपड़ों की वजह से सर्वेंट समझ रहे थे। अब उसी वक्त वहाँ पर एक वेटर आता है जो पर को राजा और रानी को ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है, तो पर ड्रिंक सर्व करने चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एस्पन को देखते हैं जो राजकुमारी को बर्थडे विश कर रहा था। एस्पन राजकुमारी के लिए एक गिफ्ट भी लाया था पर वो राजकुमारी को गिफ्ट दे नहीं पाता। फिर राजा और रानी एक स्पीच देने लगते हैं पर अचानक से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं क्योंकि जो ड्रिंक पर ने सर्व की थी उसमें कुछ मिला हुआ था। और ये देखकर राजकुमारी रोने लगती है और राजा का एडवाइजर राजकुमारी से पर और पल को अरेस्ट करवाने को बोलता है, तो राजकुमारी उन दोनों को काल कोठरी में डालने का ऑर्डर दे देती है। ये देखकर एस्पन सबसे बोलता है कि वो इनोसेंट है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। आगे एक डॉक्टर राजा और रानी को देखकर राजकुमारी को बताते हैं कि राजकुमारी के पेरेंट्स को किसी ने जहर दिया है जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए हैं और अब वो कभी भी नहीं उठेंगे। ये सुनकर राजकुमारी रोने लगती है, पर तभी वहाँ एस्पन आ जाता है और राजकुमारी को गोल्डन पैलेस चलने के लिए कहता है ताकि वो वाटर ऑफ लाइफ ला सकें और राजा और रानी को बचा सकें। और ये आखिरी उम्मीद होने की वजह से राजकुमारी भी इसके लिए हाँ कर देती हैं। फिर एस्पन राजकुमारी और कुछ सैनिक सफर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी वेटर को देखते हैं जो किसी बार में जाकर एक ग्रुप से कहता है कि राजा और रानी दोनों मर गए हैं, पर राजकुमारी बच गई है और वो राजा और रानी के लिए वाटर ऑफ लाइफ लेने जा रही है। वो ग्रुप राज्य पर कब्जा करना चाहता था और ये सुनकर वो ग्रुप भी उनके पीछे जाने का फैसला करता है, पर तभी एक बंदा उस वेटर को जहर देकर मार देता है। दूसरी तरफ हम एस्पन को देखते हैं जिसे गोल्डन पैलेस का रास्ता नहीं पता था, तो वो राजकुमारी को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पिछली मूवी में उसे वो मैप वाली लेडी मिली थी। इसके बाद वहाँ एक गिलहरी आ जाती है जो एस्पन के पूछने पर उन्हें उस लेडी के घर ले जाती है। घर के अंदर जाने पर वो दोनों देखते हैं कि उस लेडी की नाक एक चेयर में अटकी पड़ी है। ये देखकर एस्पन उस लेडी की मदद करता है और उससे गोल्डन पैलेस जाने का रास्ता पूछता है, तो वो लेडी उसे बताती है कि आज तक सिर्फ एक ही बंदा गोल्डन पैलेस से जिंदा लौटा है जो दूर पहाड़ों में एक गुफा के दूसरी तरफ रहता है और वही तुम्हें उस पैलेस का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस गुफा से पहले तुम्हें एक क्रिएचर मिलेगा और तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो लेडी अंदर से उड़ने वाले जूते लेकर एस्पन को देती है क्योंकि उसने फिर से उसकी मदद की है। फिर एस्पन और राजकुमारी वो गुफा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में एस्पन एक छेद वाले स्टील के बर्तन को उठा लेता है। इसी बीच पाल से काल कोठरी में वही लड़की मिलने आती है जो उसे खाने की टेबल के पास मिली थी और उसे केक में एक कंघी और सौंफ छुपाकर दे देती है। वहीं दूसरी तरफ एस्पन और राजकुमारी एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें अजीब सी आवाज़ें आ रही थी
जिससे सुनकर सारे सैनिक भाग जाते हैं। फिर एस्पेन और राजकुमारी थोड़ी और आगे जाते हैं और आराम करने का डिसाइड करते हैं। जहाँ राजकुमारी के खर्राटों की वजह से एस्पेन सो नहीं पा रहा था, तो वो वहाँ उगी ग्रास को अपने कान में डाल लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक वायलिन की अजीब सी धुन बजने लगती है, जिसकी वजह से राजकुमारी उसकी तरफ खींचने लगती है। पर एस्पेन के कान में ग्रास होने की वजह से वो धुन एस्पेन पर असर नहीं कर पाती, लेकिन एस्पेन राजकुमारी को खींचता हुआ देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है। जहाँ वो नोटिस करता है कि ये सब एक अजीब सी धुन की वजह से हो रहा है। इसके बाद एस्पेन राजकुमारी के पीछे पीछे एक जगह पहुंच जाता है जहाँ एक क्रिएचर बैठकर जादुई वॉलिन बजा रहा था। फिर एस्पेन राजकुमारी को होश में लाता है, जहाँ होश में आने के बाद राजकुमारी वहाँ की गुफा देखती है, पर वो क्रिएचर आगे जाने से मना कर देता है। तो एस्पेन उसे वॉलिन में चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम हमें आगे जाने दोगे। तो वो क्रिएचर एस्पेन से कहता है, अगर मैं जीता तो तुम्हारी सोल मेरी होगी, जिसके लिए एस्पेन हाँ कर देता है और उन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। जहाँ वो क्रिएचर पहले वॉयलिन बजाता है, पर इससे एस्पेन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके कानों में ग्रास थी। लेकिन जब एस्पेन की बारी आती है तो वो इतना गंदा वॉयलिन बजाता है जिसे सुनकर वो क्रिएचर बेहोशी हो जाता है। फिर वो दोनों वॉयलिन लेके गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा था, तो राजकुमारी वहाँ वॉयलिन बजाने लगती है जिसकी वजह से वहाँ रोशनी हो जाती है। और फिर दोनों गुफा के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ जाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में एस्पेन को एक सॉल्ट की बोतल मिलती है जिससे बेहोश व्यक्ति को होश में लाया जा सकता था। उनके थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें वहाँ एक घर मिलता है जिसके बाहर एक ओल्ड मैन था। तो वो उससे पूछता है, क्या आप वही आदमी हो जो गोल्डन पैलेस से जिंदा लौटे थे? तो वो बंदा बताता है कि उनके बारे में तो मेरे दादा बताएंगे जो अंदर हैं। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक और ओल्ड मैन दिखता है। तो एस्पेन उनसे वही सवाल पूछता है, तो वो भी वही जवाब देते हैं जो बाहर वाले ओल्ड मैन ने दिया था। और ये इनके साथ कई बार होता है, लेकिन हर बार आदमी का साइज छोटा हो रहा था। अंत में उन्हें एक बहुत ही बूढ़े और छोटे ओल्ड मैन मिलते हैं जिनकी उम्र करीब 200 साल थी, क्योंकि उन्होंने वाटर ऑफ लाइफ पिया था। फिर वो उस ओल्ड मैन से उस गोल्डन पैलेस के रास्ते के बारे में पूछता है। तो वो ओल्ड मैन बताता है कि वो बहुत बूढ़ा होने की वजह से उनकी याददाश्त बहुत वीक हो गई है और रास्ता याद नहीं है, पर उन्होंने एक डायरी में सब लिख रखा है। डायरी मिलने पर एस्पेन उसे पढ़ने लगता है और वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर पहुंचने पर उन्हें वही ग्रुप मिलता है जिसके कैप्टन थी, और वो ग्रुप उन्हें बंदी बना लेता है। अब रात को ग्रुप की कैप्टन राजकुमारी और एस्पेन को बताती है कि उसी ने राजा और रानी को मरवाया है ताकि वो राज्य पर कब्जा कर पाए, और इसमें राजा के एडवाइजर ने भी उनका साथ दिया था। ये सुनकर राजकुमारी शौक हो जाती है और छुपके से टेबल पर पड़ा नाइफ अपने पास रख लेती है। फिर वो कैप्टन अपने आदमियों से एस्पेन और राजकुमारी को मारने को बोलती है, तो दो बंदे उन दोनों को बाहर ले जाते हैं और बाहर जाकर लड़ने लगते हैं कि उन्हें कैसे मारना है। इसी बीच राजकुमारी दोनों की रस्सी काट देती है और दोनों भागने लगते हैं, लेकिन उस ग्रुप के लोग उन्हें घेर लेते हैं। तो राजकुमारी वो वॉयलिन निकालकर बजाने लगती है जिसकी वजह से वो सब लोग नाचने लगते हैं, और मौका पाकर वो दोनों भागने लगते हैं। पर वहाँ खड़े एक ग्रुप के मेंबर के चाबुक मारने की वजह से वो वॉयलिन टूट जाता है, और वहीं दूसरी तरफ पल और पर उस कंगी और सोम की मदद से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों भागते हुए उस एडवाइजर के कमरे में आ जाते हैं। फिर गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और एडवाइजर उन्हें बोलता है कि भागने की वजह से अब उन्हें कल मौत की सजा होगी। इसी बीच एस्पेन और राजकुमारी सफर करते हुए एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ एक बंदा बैठा था जिसके पास बोट थी, और एस्पेन और राजकुमारी को बोट की जरूरत थी क्योंकि वो गोल्डन पैलेस समुद्र के किसी आइलैंड पर था। तो वो वहाँ उन्हें ले जाने के लिए उनसे पता पूछता है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट आइलैंड नहीं पता था। तो वो बंदा उन्हें एक मैप देता है जिसमें सारे आइलैंड थे। मैप को देखकर एस्पेन को याद आता है कि वो आइलैंड दो आइलैंड्स के बीच में है, और एस्पेन उसे वहाँ ले जाने के लिए बोलता है, पर वो बंदा इसके लिए उन्हें मना कर देता है। तो राजकुमारी कुछ गोल्डन कॉइन्स देकर वो बोट खरीद लेती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जिसके चारों तरफ धुंध होती है। वहाँ पहुँचने पर उनका सामना कुछ क्रिएचर्स से होता है जिसको वो उस स्टील के बर्तन की मदद से हरा देते हैं, क्योंकि स्टील उनकी कमजोरी थी। इसलिए उन क्रिएचर्स के बाद एक बड़ा सा क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। आगे हम एस्पेन को आइलैंड के किनारे पर देखते हैं जो राजकुमारी को आवाज लगा रहा था, क्योंकि उस बड़े क्रिएचर के हमले की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। फिर एस्पेन उस पैलेस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और पैलेस मिलने के बाद उसके अंदर जाता है, जहां उसे उस पैलेस के राजा का कंकाल मिलता है जिसके पास एक बॉल जैसी चीज थी जिसे एस्पेन अपने पास रख लेता है। और फिर उसे एक रास्ता मिलता है जो नीचे की ओर जा रहा था, जिसके बाद एस्पेन नीचे जाता है, पर वहाँ जाने पर बेहोशी गैस निकलने लगती है। पर एस्पेन जल्दी से वो सॉल्ट सूंघ लेता है जो उसे पड़ा मिला था। इसके बाद एस्पेन को एक कमरा दिखता है
जिसके अंदर जाने पर उसे वही वॉल्ट दिखता है, और उसी वक्त वहाँ वो ग्रुप आ जाता है जिसने राजकुमारी को भी बंदी बना रखा था। इसके बाद उस ग्रुप की कैप्टन वो पानी पी लेती है जिसकी वजह से वो खुद को ताकतवर महसूस करती है। ये देखकर उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स खुश होने लगते हैं, पर उनकी आवाज़ की वजह से तीन सिर वाला मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है जिसे दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसकी आंखें राजा ने अपने पास रख ली थी। फिर वो कैप्टन उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है, पर उस पानी को पीकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ताकत मिलती थी जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर पर कैप्टन की मार का कोई असर नहीं होता। और जब वो मॉन्स्टर मारता है तो कैप्टन बहुत दूर जाके गिरती है। ये देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ ग्रुप के कुछ मेंबर्स बाहर जाने पर उस गैस वाली जगह पर बेहोश हो जाते हैं और बाकी मेंबर्स एक बॉक्स में हाइड हो जाते हैं। फिर एस्पेन और राजकुमारी उस मॉन्स्टर से उस पानी की कुछ बूंदे देने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो राजा को बचा सके। तो वो मॉन्स्टर उनसे कहता है कि अगर हमने तुम्हें पानी लेने दिया तो राजा हमारी आंखें वापस नहीं देगा। ये सुनकर एस्पेन उस मॉन्स्टर को वही बॉल जैसी चीज देता है जो असल में उस मॉन्स्टर की एक आंख थी, और अब वो मॉन्स्टर उन्हें वो पानी लेने देता है। फिर वो दोनों जादुई जूतों की मदद से राज्य जाने के लिए उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं कि पल और पर को सबके सामने मौत की सजा मिलने वाली थी कि तभी वहां पर राजा आ जाता है जिसे एस्पेन ने वो पानी पिलाकर बचा लिया था और उनकी सजा रुकवा देता है। फिर राजा के एडवाइजर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे एस्पेन राजकुमारी को अपना गिफ्ट देता है जिसमें उसकी माँ का नेकलेस था। ये देखकर राजकुमारी भी समझ जाती है कि एस्पेन भी उससे प्यार करता है, और वो राजा से कहते हैं कि वो एस्पेन से शादी करेगी। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और दूसरी तरफ पल और वो लड़की भी किस करने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एस्पेन और राजकुमारी शादी कर लेते हैं और राजकुमारी अब एस्पेन के साथ रहने लगती है। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि ग्रुप के जो मेंबर्स बॉक्स में छुपे थे उन्हें मॉन्स्टर खा जाता है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, द एश लैड इन द सर्च ऑफ गोल्डन पैलेस, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और वीडियोस बनाने का, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, इसी तरह की कमाल की मूवीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है विनायक मूवी थिएटर। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जैसा आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है आप उस चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें। उस चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।